हेलो। सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, मैं छोटा रिमी भाई बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हेलो सलाम। वालेकुम साहब, क्या सर जी, क्या हाल है? हाँ लगता वो मैं दोबारा में आपको सर नंबर फोन किया था, तो मतलब वो अब्बास जो एक बार आपने फोन लगाया था, अभी वो बोलना बंद कर दिया है। इसको अरे मुंबई में एक बार आपने फोन में करवाया था आपको ना, मैं कि एक गए देवबंदी हो मतलब आले हदीस के खिलाफ बोलता रहता है, तो अच्छा। आप कौन बोल रहे हैं? आपने उसका खबर लिया था ना, आईडी और बनाया था ना। अच्छा पता नहीं याद नहीं है तो। अच्छा हाँ, तो 20-25 दिन हो गया, तो अभी वो नहीं बोलता, पहले हमेशा बोलता रहता था। ये एक मुफ्ती का नंबर हमारे पास है, तो मतलब वो मतलब हमारे एक पहचान में वो दिए थे, तो मैं उसको क्लिप उलिप भेजता रहता था, तो मतलब देवबंद के खिलाफ उसके लिए जो राती थी, तो मतलब वो मैं एक मतलब इमाम काबा जो है उनका एक क्लिप भेजा था, तो उसने कहा कि तर्जुमा गलत किया हुआ है। एक मतलब शोएब मीर मोहम्मदी, मतलब वो एक पाकिस्तान के आले हदीस के प्रोग्राम में गए थे, शेख साले बिन तालिब, तो मतलब उसको मैं क्लिप भेजा, तो मतलब बोले ये गलत है मतलब तर्जुमा, और फर्ज नमाज के बाद दुआ जो इसकी दलील है सर, फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, ये आना हाँ, अल्लाह के नबी ने यह अमल से साबित है कि फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला कबूल करता है। लेकिन अब बात आती है अकेला सबका अकेला इकट्ठा अकेला है ना। होके, हाँ और इज्तिमाई दुआ मांगना, जी, तो ये मतलब किताबो सुन्नत से साबित नहीं है। मैं लोग मुफ्ती को अपनी एक अपनी तारीख मांगे, अलहदा अलहदा मांगे। जी, तो हमने तारिक मसूद का एक क्लिप उसको भेजा, मैं उसने कहा है कि फर्ज नमाज के बाद जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये दुआ मांगा जाता है, इसका कोई भी दलील नहीं है, यानी फिका हनफी में भी इसका दलील नहीं है, तो उसमें मतलब मुफ्ती को क्लिप भेजा, तो बोलता है ये मुफ्ती गलत बोल रहा है, फर्ज नमाज के बाद दुआ है। तो मुफ्ती नहीं, को एक दुआ बार है आप लेकिन पकड़िए। इज्तिमा में दुआ मांगना नहीं जाए। नहीं वो मतलब कह रहा था कि अगर कोई आदमी उठ के जाता है तो उसके ऊपर तनकीद ना की जाए, लेकिन मतलब अगर साथ में बैठ के मांग भी रहे हैं तो मांगा जा सकता है, ऐसा वो कह रहा है। भाई देखिए, एक दुआ होती है कि इमाम साहब अपनी मांग रहे हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी मांग रहे हैं, लेकिन साथ जी में जी मांग रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात जी जी ये है कि इमाम साहब अकेले दुआ मांग रहे हैं और बाकी जी सुनने वाले खाली आमीन आमीन, बेशक आमीन, बेशक नहीं आमीन, सर, इसको इस एक तरीके बार से सर, करना। इस तरीके की दुआ अल्लाह के नबी के दौर में नहीं मांगी जाती थी, सब अपनी तो अपनी दुआ मतलब मांगते थे। इससे सर आप थोड़ा लेक्चर एक कोई रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि इसके कुछ यहाँ पे लोग हैं पहचान में जो बहुत इसका तारीफ कर रहे थे, तो हम जब आले इसका खूबियाँ बताता था या तमाम चीज, तो बोलते थे ऐसा नहीं है, आप अभी बड़े आलिम से नहीं मिले हो, ऐसा होगा। मैं बोला यार देवबंद का हमने मतलब 50 जगह पे मैं जा चुका हूँ, और ऐसा जगह पे गया हूँ जहाँ के 1000 लड़के पढ़ते हैं, लेकिन हर मैदान में हमने पाया कि आले हदीस के पास दलील मजबूत है। वो बोला कि हमारा एक मुफ्ती है, आप इससे बात करो, किसी भी टॉपिक पर बात करना है, तो हमने कहा कि हमारा एक तालिब इल्म इससे बात करेगा, आलिम की बात छोड़ो, तो मतलब वही मैं चाह रहा था कि एक लेक्चर आप रिकॉर्ड करवाए उस सब किसी मतलब मौजूद है जिससे आपको मजबूत महारत हो अच्छा, जी। और एक ठीक है। हमारे गांव में सर आपका एक नॉन हेलो काम नेटवर्क, जैसे आपको प्लीज सुनना चाहता मूव हूँ, टू ओपन एरिया। हाँ भाई, एक फिर से हमारे गांव बोलिए। में सुनाऊं कि आपको मैं जो मतलब गुजारी थे आपसे, एक गुजारी के बाद में हमारे गांव में एक बरेली आदमी मतलब गांव में यूपी में बरेली है, मतलब वो आले हदीस के खिलाफ बहुत ज्यादा वो मतलब फितना फसाद ये सब करता है, एक ही बरेली है केवल बस। तो मैं चाह रहा था कि अभी ये अभी नहीं, लेकिन कभी मैं मौका ऐसे बताऊंगा कि आप उससे एक बार बात करें, यानी बहुत ज्यादा वो सर नफरत रखता है, मतलब यहाँ तक कि हमने उसको एक किताब दिया था नमाज़े मोहम्मदी, तो मतलब उर्दू पढ़ाया हो तो मतलब पढ़ा वड़ा बोला इसमें सब गलत मन ग्रंथ है, ऐसा वैसा आ मतलब जाओ। बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा मतलब वो नफरत रखता है अलिया जी से, तो कभी मतलब आप उससे एक बार लाइन पे लीजिए। हाँ
अभी नहीं मतलब बाद में बताऊंगा तो आप ये लिख लीजिए। मुफ्ती का सर एक बार अगर समय रहे आपके पास तो किसी टॉपिक पर आप बात करिए टॉपिक पर। भाई आप एक काम कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरे जिनसे जिनसे बात करनी है उनका नाम और नंबर अपना भेज दीजिए जी, तो हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, मतलब हमारा कहने मतलब इसके पास नॉलेज है मुफ्ती के पास, तो आप उस विभाग में बात करेंगे जिसमें आप थोड़ा बढ़िया नॉलेज हो। वैसे आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है, हर विषय में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मुफ्ती का नंबर भेज रहा हूँ। जी जी, आप किसी का भी दीजिए भाई, कोई हमको गलत बात थोड़ी ना करना है। जी सर, आप मुफ्ती हैं, अगर वो कुरान हदीस की बात बताएंगे तो मानेंगे, अपने घर की बात बताएंगे तो ही ना मानेंगे। कुछ बरेली के आलिम भी बताते हैं कि अप्पू खान के बारे में बोलते हैं कि यार उसका एक खूबी है कि वो बंदा कभी भी पहले गाली नहीं देता, गाली का इस्तेमाल नहीं करता है। ये लोग बहुत सारे बरेली मतलब यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वो लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन जब दिन के बारे में बात होती है तो बोलते हैं वो बंदा कभी भी गाली नहीं देता है, एकदम अच्छे दायरे में रहकर बात करता है। जी जी, मतलब बोले और लोग गाली गलौज अबू अम्मार और तमाम लोग तलाह तलफी ये लोग गाली गलौज में भी आ जाते हैं कभी भी, लेकिन अप्पू खान का एक खासियत है कि कभी भी वो उसको अगर बोल देते तो कोई भी बात कहेगा तो दायरे में रहकर खाता है, गाली नहीं देता। जी 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 सर, मैं यही चाह रहा था कि आप इससे थोड़ा बात करें, उसको यहाँ के उसके फॉलोअर कुछ मुफ्ती के हैं। जी जी, तो मतलब वो बहुत उसका तारीफ कर रहे थे, बोले इसके पास बहुत सलाहियत है ऐसा वैसा, तो हम बोले ठीक है मैं आपको आइडियो सुनाऊंगा उसके पास कितनी सलाहियत है, और हमारा एक स्टूडेंट जो कि मेरे तालबिल में वो बात करेगा मुफ्ती की, तो बात छोड़ो। जी जी सही बात, ठीक है, आप जो मुफ्ती हैं उनका नाम नंबर भेज दीजिएगा। जी, उनका बता दीजिएगा ये कौन है बरेलवी हैं, और दूसरे जो आपके बरेलवी दोस्त हैं उनका नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं आपका एक ही नंबर दूंगा, देवबंदी मुफ्ती है, शमीम नाम है, लिख के मैं भेज रहा हूँ सर। क्या नाम है? शमीम, मुफ्ती शमीम। ठीक है, मुफ्ती शमीम का नाम और नंबर भेज दीजिए तो मैं बात कर लूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक, चलो सलाम अलैकुम। वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, खैरियत? हाँ फजल भाई, अरे भाई माफी चाहते हैं, किसी भाई का फोन आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन रहा हूँ जी। जी बताइए। अरे फिर भी जरा सी परेशानी है यार, हम क्या हो गया? फिर भी चाहते हैं कि आप हमारी जो परेशानी को दूर करें। बताइए, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने स्थापित किया होगा तो बिल्कुल दूर करें। हाँ, हमारे रिलेशन में है तो पहले के लोग जो थे शादी क्यों ना करते थे, आपके आपके टाइम पे एक दूसरे की बीवियों को अपने बस में कर लेते थे, आज भी ऐसा है कुछ? देखिए, एक दूसरे की बीवी को अपने बस में कर लेना या किसी को मतलब किसी से अलग कर देना, तो ये सब जादू होते हैं, लेकिन ऐसा जादू करना भाई ये कुफ्र है, शिर्क है, हो तो जाएगा, इसका जो असर होता है मियाँ बीवी के बीच में जो दूरी होती है वो शैतान के मतलब शैतान के जरिए डाली जाती है। और भाई किसी को उसके शोहर से उसका दिल हटा के अपनी तरफ उसको मतलब खींच लेना, मायल कर लेना, तो ये सब जो जादू होते हैं इनको आमतौर पे बोलते हैं सिपली। जादू के अलग अलग भाई किस्में होती हैं, उसके लिए किताब आपको पढ़ना पड़ेगा जादू की हकीकत, तो उसमें सब आपको मिल जाएगा, कौन सा जादू होता है, कैसे किया जाता है और कैसे इसका तोड़ होता है, कैसे इलाज होता है, वो सब आपको उसी मिल जाएगा। तो आप मतलब बेसिकली आप क्यों परेशान है इससे? आप खुल के लफ्ज में बोलते हैं, हमारे बहनों, जोर से बोलिए जोर से, मतलब हमारे बहनों हैं, बहन हमारी बहन के ऊपर शिपली का कर दिया किसी ने। क्या कर दिया? शिपली का, शिपली का ना। कहाँ रहते हैं ये? ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, बाका गंज बरेली में। अच्छा, देखिए हमारे पास आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जिनके ऊपर मतलब ये जिन जादू तो ना ये सब असर हो जाता है, तो एक हमारे आलिम दीन है, अहले सुन्नत अहले हदीस है, और वो यहाँ पे रहते हैं, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर में। ना उनकी कोई फीस है ना कुछ है, बस आपको आने जाने का जो उनका मतलब पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके वहाँ जाएंगे, मरीज को देख लेंगे, पता कर लेंगे कि जादू हुआ है कि, देखिए पहली चीज तो होती है कि इसके ऊपर जादू हुआ है कि नहीं,
बहुत सारे लोग खुद साख्ता सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर जादू हुआ है, मतलब दो चार लोगों ने कह दिया हाँ इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ करनी है, इसको किसी ने कुछ खिलाया है, तो नहीं भी होता है तो वो सोच लेता है कि हाँ जादू है। मतलब घर में लोटा भी अगर एक मेरे भाई हिल गया तो हाँ जिन है घर में। तो ये सब मेरे भाई किस तरीके से, मतलब धक्के धक्के पे नहीं होता, जादू टोना भी करना आसान बात भाई वो नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जादूगरों को। तो अगर सबसे पहले तो वो आएंगे, वो देखेंगे कि उनके मतलब उनके ऊपर कुछ असरात है कि नहीं मरीज के ऊपर। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो भाई यही है कि जादू टोना जो है ना, पहले वो आके देखेंगे कि हुआ है कि नहीं, अगर हुआ होगा तो उसका इलाज भाई वो मतलब अपना कर करेंगे। देंगे, और करने के बाद जो फैमिली वाले होंगे उनको बता देंगे क्या क्या करना है। अच्छा, देखिए फैमिली का मियाँ बीवी रहते हैं घर में, दो बच्चे हैं उनके छोटे, ठीक है, बच्चे जो स्कूल चले जाते हैं, और दूसरे जो आदमी में लड़के में वो भी शादी शुदा है, उसमें जो बकाया है तो इस तरीके से बकाया कि मेरी बीवी मुझे कुछ नहीं रखती है, वो परेशान रखती है, मुझे खाना नहीं देती है, पीना नहीं देती है, मैं उससे छुटकारा ना चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ। और वो जो लड़का है थोड़ा पैसे वाला है थोड़ा सा, तो उसने जो है सिपली अगर आया हमारे यहाँ, यहाँ पर एक शमीम मौलाना है बागरगंज में, शमीम मौलाना है, वो स्वर वर का गोश वोश कहते हैं कुत्ते का, ये सिपली का जो करे होते हैं ये सब खाए भी होते हैं, वो उसी में था है, तो उससे करवाए वहां पैसे नहीं दे के यहाँ तक। ये तो वो कहते नहीं फाल खोलते हैं फाल, हेलो बोलते जाइए। फाल खोलते हैं फाल, वो एक हमारे मुल्लानी है कोई, हम मैं तो अल्लाह विदा मैं तो जानता नहीं है कौन है वही, ये क्या नाम है, हमारी अम्मी को हमारी सास लेके गई, तो वहाँ पर जब फाल खुलवाई तो बोली इसके ऊपर बहुत कर्रा सिकली का कराया हुआ है, और इसको जो है किसी सही वाले से इलाज करवाओ, नहीं तो ये तुम्हारे हाथ से जाके रहेगी। तो उन्होंने पैसे उसे लेती नहीं है, ऐसे ही करती है वो काम, लेकिन उन्होंने यही कह रहा कि सिकली का कराया हुआ है, और घर में शादी भाई जरूर लेकर। देखिए आप जो बता रहे हैं ये सब इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है जी, जिसके ऊपर पड़ती है उसके ऊपर बड़ा मसला होता है, बाकी मेरे भाई आजकल दुनिया में आम हो गया है ये फाल खोलना और किसी काहिन के पास जाके पता लगाना, ठीक, ये सब साले मतलब डराते हैं कि हाँ कुछ हो गया है, इसकी जान भी जा सकती है, आपके वहाँ से ये भाग सकती है, कुछ भी कर सकती है, खुद को नुकसान पहुँचा सकती है, आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आप वही एक बात और बताते हैं, अल्लाह पे अकीदा रखिए, अगर जादू भी होता है ना तो वो अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक, अल्लाह की मर्जी, ये एक आजमाइश होती है, टेस्ट होता है कि देखें अगर किसी के ऊपर जादू कोई मतलब करवा देता है और हो जाता है तो वो इलाज कैसे करता है, भाई वो शरीयत के हिसाब से करता है या वो तावीज, गंडा, उल्लू, उल्लू का गोश्त, कुत्ते की कुर्बानी, मुर्गे का सर और नींबू और झाड़ू और मिर्चा, क्या इनसे इलाज करता है, तो अल्लाह ताला भी तो आजमाता है ना अपने बंदों को, तो ये एक आजमाइश होती है। तो अगर किसी के ऊपर जादू हो गया है तो जादू का इलाज मेरे भाई कुरान है, कुरान के आयतों से अच्छे अच्छे शैतान भाग जाते हैं। शेख साहब से मैंने मालूम करा था, हमारे शेख साहब से मालूम करा था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया पहले अलम दो पढ़ना, फिर तो जो फुल है आखिरी वाले दोनों फुल पढ़ना, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना, फिर सूरह बकरा की तीन चार आयते हैं आखिरी की वो पढ़ना, वो पढ़ के उनके ऊपर दम करना, तो ये चीज बताई है उन्होंने, मैंने चीजें ये करके देखेंगे, मैंने आज से भी थोड़ी सी राय ले ली। भाई देखिए मैं कोई आमिल तो नहीं हूँ जो मुझे पता हो कैसे इलाज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आलिमों से जान पहचान है, रब्ता मेरा होता है, और जिन जादू जो है ना ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो देखिए सबसे बेहतरीन जो इसका इलाज है वो इलाज है सूर्य फलक और सूर्य नाश, ये मौजतैन है, ये पढ़ पढ़ के दम कीजिए। रुकैया शरीफ की एक ऑडियो रखी है मेरे पास,
उसमें तमाम आयते हैं, ठीक, जहन्नम के जो आजाब होते हैं उसका जो भाई उसमें होता है तस्करा, वो सारी आयतें उसमें पढ़ी जाती हैं, और काफी सारी आयतें हैं, सूर्य फलक हैं, नास हैं, आयतल कुर्सी है, सब उसमें है। तो वो ऑडियो हम भेज देंगे, जो भी मतलब भाई पेशेंट हो, मरीज हो, आप उसके कान में बढ़िया हेडफोन डाल के उसको सुबह और शाम दो बार खाली उसको सुना दें, आधे आधे घंटे की है, इंशाल्लाह उससे ही उसको आराम मिल जाएगा। ठीक, ठीक है। जादू का इलाज जादू से भी होता है, इसका कोई इनकार भाई नहीं कर सकता, जादू की काट वो जादू से भी होता है, लेकिन जादू का इलाज जादू से कराना ये हराम है, आप समझ रहे। जैसे शराब है, शराब को हम बेचेंगे तो भाई हम पैसा कमाएंगे ना, पैसा कमाएंगे तो, लेकिन शराब बेचना हराम है ना, इसी तरीके से जादू से भाई हमें फायदा तो हो जाएगा, जादू से इलाज कराएंगे फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा हासिल करने के लिए जादू करना वो हमारे लिए हराम है, वो हराम है। उसी तरीके से भाई जो शराब बेचने से हमें पैसे तो मिल जाएंगे, फायदा तो हो जाएगा, लेकिन वो शराब बेचना हराम है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और देखिए, जिन जादू का जो टॉपिक है वो बहुत मतलब भाई पेचीदा है, ठीक, अलग अलग मरीज के अलग अलग कैफियत होती है, अलग अलग भाई को दिक्कत होती है, कुछ जो मरीज होते हैं उनका जो मतलब जो स्तर होता है आगे का हिस्सा वो काफी मतलब भाई उसमें मतलब वो परमानेंट एक होता नहीं है दर्द, हाँ उनके दर्द मतलब बना रहता है, ठीक। मूड उनका कभी एकदम मतलब भाई सुस्त होते हैं तो बिल्कुल ही सुस्त रहते हैं, खुश रहते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक। तन्हाई पसंद हो जाते हैं, मतलब उनको महफिल में अच्छा नहीं लगता, बस वो चाहते हैं अकेले पड़े रहें, ना उनका इबादत में भाई मतलब ना तो नमाज पढ़ने का मन करता है, ना किसी से ज्यादा बोलने का, बस मन करता है पड़े रहे, ठीक। उनको किसी चीज से मतलब नहीं रहता है, एकदम मतलब भाई डिप्रेस हो जाते हैं, खाना खाने का मन हुआ तो खा लिया वरना भूख ही नहीं लगी है भाई, वो पूरे पूरे दिन में एक टाइम का खाना खा रहे हैं, सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं। तो मरीज की जो कैफियत होती है अलग अलग होती है। अब मतलब बाज लोग होते हैं भाई वो ख्वाब में देखते हैं कि वो किसी के साथ जिना कर रहे हैं, या कोई सांप है, सांप उनको दौड़ा रहा है, ठीक, या जो शेर है शेरों का पीछा कर रहा है, वो उससे बच रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक। या ख्वाब में देखते हैं कि हम किसी और के साथ मतलब भाई उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। तो तमाम कैफियत को देख के जो हामिल होता है, यानी कि जो भाई इन सब चीजों का इलाज करता है, इसके लिए होना चाहिए भाई एक्सपीरियंस। डोंट नेटवर्क, प्लीज मूव टू ओपन एरिया। हाँ समझे, तजुर्बा, बिना तजुर्बे के मतलब इतना हम कर सकते हैं बिना तजुर्बे के कि भाई हम कुरान की आयतें उसके ऊपर भाई हम पढ़ पढ़ के दम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि भाई कुरान पे तो हमारा भाई ये ईमान है कि कुरान से इसको नुकसान नहीं होगा, और जिसका ये अकीदा हो जाए कि यार इसके ऊपर कुरान पढ़ लें इसके अंदर के जिन ना जाग जाए और हमको नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसका अकीदा एकदम बातिल है, कुरान पढ़ेंगे शैतान भागेगा। जिन जादू का इलाज 24 घंटे से नहीं होगा, अगर कोई कहे वो फाल खोल के बताए कि हाँ भैया वो फला जुमेरात को जाके कब्रिस्तान में ये तावीज को जाके खोद के गाड़ देना, या इसकी माँ का नाम बताओ, ठीक, या इसका नाम बताओ, इसके शोहर का नाम बताओ, उसके बाद वो फाल खोलेगी, फाल खोलने के बाद बताएगा कि हाँ कुछ है कि नहीं है, और नहीं भी होता तो कहते हैं हाँ है, ठीक। गांव में चोरी होती है भाई उसके नाम का अंडा फोड़ देते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है मेरे भाई, ये तो गैप का दावा करना हो गया ना, और इल्मे गैप का दावा करने वाला काफिर होता है। अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि इस जमीन और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह ताला। तो बस दुआ कीजिए अल्लाह से, ऐसा कुछ नहीं है, जादू होता है, जादू का कोई इनकार भाई नहीं कर रहा कि जादू होता ही नहीं है, लेकिन हर चीज जादू से नहीं होती है। जैसे कि वो जो है कोई भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर
तो चिड़चिड़ा रही है जी। और जब मियाँ है उसके घर में तो वो खामोश रह रही है, बच्चे हैं तो खामोश रही है, बच्चे उससे चले जा रहे हैं तो वो फोन पे बात करने लग रही है दूसरे आदमी से। तो यही चीज है कि ये अरे हो सकता है उसकी बीवी का कहीं और अफेयर हो, नहीं आज भाई उसको उसको अपना शौहर भाई उसको ना पसंद आ रहा हो, बाहर अफेयर कर रही हो, लेकिन ये भी तो गुनाह है भाई। किसी के निकाह में रहते हुए शौहर का हक तुम किसी बाहर वाले को दे दोगी और लोग समझ रहे जादू हो गया, उसने अपने काबू में कर लिया, वश में कर लिया, मुटकरनी कर दी और मतलब वो क्या बोलते हैं वशीकरण कर लिया। ऐसा इतना आसान नहीं है भाई, ऐसा ही हो तो लोग अभिषेक बच्चन की जो बीवी है ऐश्वर्या राय उसके ऊपर जादू करके उसको अपने पास ना बुला लें, धक्के धक्के पे नहीं होता। सुन तो लिए, मेरी सुन तो लिए, घर में तावीज निकले हैं, घर में तावीज निकले हैं तो चलिए मान लिया तावीज निकला है, लेकिन देखिए जादू का असर इंसान के ऊपर परमानेंट भाई कभी नहीं रहता है। दिन में 5 टाइम की अजान होती है, अजान के वक्त तो आदमी नॉर्मल होता होगा भाई, हदीस में आता है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है, तो अजान के टाइम तो इंसान भाई वो नॉर्मल होता होगा। नमाज तो पढ़ती है, नमाज क्यों पढ़ती है, ऐसा नहीं नमाज ही पढ़ती है वो 5 टाइम, तो फिर क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो अपने मियां से लड़ाई निकली है, देखिए नमाज पढ़ ली है सब पढ़ ली, इसका मतलब क्या है, वो पागल नहीं है, बस उन दोनों शोहर और बीवी के बीच में दूरी पैदा की जा रही है तावीज के मतलब भाई उससे जरिए, तावीज के जरिए ना, ये बहुत आसान जादू होता है मियां बीवी में दूरी पैदा करने का। मियां बीवी ने दूरी तो पैदा कर ली है, तो जब भाई जाहिर सी बात है मियां बीवी में शैतान जब दूरी पैदा करेगा तो बीच में कोई तीसरा तो आएगा ही। हाँ तो तीसरा पड़ावा है ना पहले से ही, तो यही तो होता है ना, मैं मेरी पत्नी और वो तीसरे ने तो करा है 24 घंटे जो भी करा। अब देखिए जिसने भी किया है उसका अंजाम मेरे भाई आकर के हिसाब से सिर्फ जहन्नम पे ठिकाना है। अरे उसे जादू तो ना दुनिया में कर लोगे, चंद रोजा मेरे भाई जिंदगी है क्या है कर लो भाई, जादू करके अगर तुम किसी की बीवी को छीन भी लोगे तो दुनिया में तो तुम हो सकता है तुम ऐश कर लो, लेकिन अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया में ही पत्थर मौत देके आखिरत में हमेशा हमेशा जानना बना देगा। अभी अभी हम है, हम जानते हैं लड़के को, अभी जाके हमको चल चल उतर उतर दे उसको, जाके फिर पुलिस थाना हो जाएगा, समझे, और बदनामी लोगी ऐसा वैसा ये क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीज से डर है कि इस चीज से पहले हमारी बहन बच जाए उसके बाद देखेंगे उसको। देखिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब जो काहिन है मेरी काहिनों से बहुत बात हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं काहिन के पास जो एक्चुअल में हमारा जो गांव है ना उसमें हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा काहिन समझता है और जबान पे जुमला उनका एक ही रहता है, हम इलाज कुरान हदीस से करते हैं, लेकिन जैसे दौर तो सबसे पहले पूछ लेंगे तुम्हारी माँ का नाम क्या है, ठीक। तो काहिनों से हमारी बहुत बात हुई है, जो जादू होता है मियाँ बीवी के बीच में दूरी पैदा करने का वो जो मेन उसके तरीके होते हैं तीन, एक तो होता है कि औरत के बाल, ठीक, मतलब कहीं जो कोई बाल पा जाए तो उसके बाल पे जादू हो जाएगा, औरत के जो कपड़े होते हैं पसीने वाले उस पसीने वाले कपड़े पे जादू होता है, उसको किसी पत्थर के नीचे कुछ पढ़ के दबा देते हैं तो जब तक वो पत्थर के नीचे कपड़ा दबा रहता है तब तक उसको अपने शौहर से बिल्कुल एकदम नफरत रहती है, यानी कि उस औरत के दिल पे एकदम पत्थर आ जाता है, वो अपने शौहर की जितनी मोहब्बत होती है उसको पत्थर से एकदम दबा देती है, मोहब्बत सारी दबी की दबी रह जाती है, ठीक। तीसरा होता है नाखून पे जादू, तो अलग अलग किस्में हैं जादू की भाई, ये जो आमिल होगा वही बता पाएगा कि कैसे जादू हुआ, किस चीज पे जादू हुआ, इसका इलाज क्या, और किसी भी तरीके से जादू हुआ हो वो अल्लाह की मर्जी से हुआ है और अल्लाह की मर्जी से ही जाएगा, और कैसे जाएगा सिर्फ कुरान कुरान कुरान। तो आलिम तो पता तो करना चाहिए ना कि आलिम से भाई कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है, वो तो पढ़ लेंगे, आपने जो बताया कुरान 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 पढ़ लिए, पढ़ना है बराबर, लेकिन उससे फायदा नहीं होता ना,
दो महीने हो लगातार। देखिए अगर हम पूरे यकीन से पढ़ेंगे कि नहीं ये कुरान है, इसको हम पढ़ेंगे इससे ही शिफा होगी, तब अगर सारा इलाज करने के बाद आपको होगा कि लाओ चलो कुरान भी भाई देख लेते हैं पढ़ के, और कुरान कोई ऐसा नहीं है कि बस फौरन आपने झाड़ फूक कर दिया और आप ठीक हो गए। कुरान का माना ये है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, तो इसका माना क्या है, जो कुरान पढ़ता हो, तिलावत करता हो, उसको समझता हो, उस पे ईमान लाता हो, उस पे अमल करता हो और उसकी जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुंचाता हो, उस पर कुरान असर करता है जल्दी, और जिन पे देर में असर करता है तो उनका मेरे भाई जो कुरान से जिस तरीके से ताल्लुक होना चाहिए ना, वो ताल्लुक नहीं कायम है, तो पहले उनको ताल्लुक कायम करना चाहिए। आज हम लोग रमजान के अलावा कभी खोल के देखते हैं कुरान, सिर्फ हम लोगों ने कुरान को तीन चीजों के लिए इस्तेमाल किया है, एक जब किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए, दूसरा मतलब भाई वो जिन जातु अगर हो जाए तो झाड़ फूक के लिए, और तीसरा कि अगर कभी किसी से बात करना हो, मुनाजरा करना हो तो हवाला देखने के लिए। उसके अलावा कब हमने कुरान उठा के कभी समझ के पढ़ने की कोशिश की? आज कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह दे क्या मैंने कुरान को समझने के लिए और मतलब क्या हक है जानने के लिए मैंने पढ़ा है कुरान? कोई नहीं, ना मैं ना आप, मैं तो ओपन कहता हूँ भाई, शायद तुम मेरे भाई अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों ने मेरे भाई हिदायत के लिए कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, और हम और आप अभी इस मामले में बहुत कमजोर हैं। कुरान से शिफा मिलेगी इंशाल्लाह, सब्र रखिए, अल्लाह ताला उसी कुरान में कहता है इन्नल्लाह मासाबिर, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। अब ये जो कोई आमिल होगा, आमिल ही बता पाएगा कुरान को इसके ऊपर, मतलब ये कौन सी मतलब भाई किस्म का जादू है, इसमें कौन सी आयतों को पढ़ेंगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा, किस तरीके से पढ़ेंगे, तरतीब क्या होगी, एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार, ग्यारह बार, ये तो भाई कोई आमिल ही बताएगा ना, इसीलिए आमिल लोग भाई। अब एक भाई पाकिस्तान के आमिल हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए ये समझने में कि जिन जादू टोना कैसे होता है, उसको कैसे पता किया जाए कि इसके ऊपर कुछ है कि नहीं, और उसका इलाज कब कौन सा कैसे किया जाए, तो ये कोई हलवा नहीं है, आदमी की जिंदगियां बीत जाती है। बस वो आप जो बता रहे थे आलिम की बात कहाँ की है, वो पाकिस्तान के, उनका बयान अक्सर मतलब सुनते रहते थे बीच में। एक और जो है अभी बता रहे थे यहाँ, पहले बता रहे थे पहले अजीत है वो, हाँ तो ठीक है, सुनिए हम आपको, एक आमिल है यहाँ यूपी में रहते हैं, ठीक है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर में, हाँ मैं आपका नंबर उनको दे देता हूँ और उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप लोग एक दूसरे से पहले फोन पे रब्ता कर लो, अगर फोन पे आप उनसे पूछो कि मतलब ये मतलब कंडीशन है, सिचुएशन है, और कुछ आलिम साहब मतलब पढ़ने का बता दीजिए, और अगर आपके पास वक्त हो तो आके देख लीजिए, एक बार इलाज आप एक बार खुद आप स्टार्ट कर दीजिए, कि वो जो आमिल आता है ना तो वो सारी मतलब जो चीज होता है मंगाता है भाई, जो मतलब वो जैतून का तेल हो गया, शहद हो गया, खजूरें हो गई, पानी पे भाई वो पढ़ के अपना भाई वो देता है दम करके, जिनको पिलाते रहिए, रात को ये अस्कार पढ़ना है, सुबह उठे तो ये अस्कार पढ़ना है, बालों को ढाक के रखना है, कभी उलझन हो तो क्या पढ़ना है, कभी ज्यादा नींद आए तो क्या पढ़ना है, ख्वाब में अचानक हम कोई उल्टी सीधी चीज देख के डर जाए तो क्या पढ़ना है, तो वो एक तरीके से आपके पास आएगा, इलाज के साथ साथ आपको खुद आपको बताएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी और के साथ हो तो आप उसका इलाज आप खुद कर सके। जी हाँ, समझ रहे? हाँ, तो अहले हदीस आलिमों का ऐसा नहीं है कि बस वही तावीज गंदा दे दिया और कह दिया हम तो कुरान हदीस से इलाज करते हैं, जवाब बांधो लटका दो इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अहले हदीस जो है वो इलाज करेगा और आपको भी सिखाएगा वहाँ पे, ताकि इन फ्यूचर अगर आगे कोई के साथ होता है तो हर बार तो भाई आमिल आपको इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, तो आप वहाँ पे अपना इलाज तो कम से कम चालू कर दे। जी जी ठीक है, ठीक है,
तो वो आ जाएंगे, वो यहाँ आ जाते, आ जाएंगे वो भाई, वो आ जाएंगे। उनसे उनसे इतना कह दीजिएगा कि जो आपको खाने हैं ठीक है इलाहाबाद वाले, उन्होंने आपका नंबर दिया है शेर, तो वो इंशाल्लाह जान जाएंगे और वो आ जाएंगे। अभी एक पेशेंट और था ठीक है, उनके वहाँ भी अभी वो जाके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी आराम है पेशेंट को। आप नंबर दीजिए, बात कर लेते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।